Good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter, chapter 10, The Flying Sleepers. Okay, and it is a drama. The major characters in this drama are Tanka and Old Cobbler, first man a merchant, second man the king, and Anna a young girl. So these are the major characters in this drama. Okay. Cobbler means mochi. Cobbler ka matlab hota hai mochi. Yani ki jo joote sille ka kaam karta hai. Okay. okay? तो यहाँ पे ये चारों जो है ये इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स है नाउ विल स्टार्ट विद द स्टोरी ओके अ काबलस शैक काबलस का शैक मतलब वो जगह जहाँ पे मोची जो है वो बैठ कर जूते बनाता है ओल्ड शूज आर लाइंग अराउंड बहुत सारे पुराने जूते पड़े हुए हैं टंका द कॉबलर हैज़ ग्रे हेयर एंड अ ग्रे बर्ड जो टंका है जो मोती जो मोची है उसके आधे बाल जो है सफ़ेद हो चुके हैं और उसकी आधी दाढ़ियाँ भी जो है वो सफ़ेद हो चुकी हैं ही इज़ मैंडिंग अ शू वो जूते बना रहा है टक टक गोस हिस हैमर ऐसी ड्राइव्स अ नेल इन टू द शू तो वो एक शू पे एक जूते में वो कील लगा रहा है और हथौड़े की मदद से वो उस कील को ठोक रहा है उस कील को लगा रहा है उस जूते पे तो उस हथौड़े से जब वो कील को मार रहा है कील जब हथौड़े की मदद से जब वो कील ठोक रहा है उस शू पे उस जूते पे तो टक की आवाज़ आ रही है टंका टॉकिंग टू हिमसेल्फ दिस शू वोंट लास्ट लॉन्ग नॉट इवन इफ आई ड्राई फिफ्टी नेल्स इनटू इट बट आई विल ट्राई तो जूते बनाते हुए जो टंका है जो मोती है वो वो जो मोची है वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि ये जूते जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे अगर मैं इस जूते में अगर मैं पचास कील भी अगर मैं लगा दूँ तो भी ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे अच्छे से बनाने की देर आर फूड स्टेप्स आउटसाइड एंड अ मैन बर्स्ट इन टू द रूम तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है और एक आदमी रूम के अंदर चला आता है मैन आर यू टंका द काबलर तो वह आदमी बोलता है कि क्या तुम टंका हो कॉबलर हो टंका इन डीड आई एम वुड यू लाइक मी टू मैंड योर शूज़ टंका कहता है कि हाँ मैं ही टंका हूँ क्या चाहते क्या आ, क्या आ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके जूते बना दूं या फिर आ, क्या आप अपने जूते बनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं मैन फगेट अबाउट मैंडिंग आई हैव बिन टोल्ड यू मेक स्लीपर्स दैट कैन फ्लाई ओके तो वो आदमी कहता है कि जूते बनाने की बात भूल जाओ मैं यहाँ पर मुझे किसी ने बताया है मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि तुम ऐसे जूते बना सकते हो जो कि उड़ सकते हैं ठीक है तो वह आदमी जो है वो आके टंका से कहता है कि जूते बनाने की बात तो भूल जाओ मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है कि तुम उड़ने वाले जूते बना सकते हो तुम ऐसे स्लीपर्स बना सकते हो जो कि उड़ सकते हैं ओके okay? तो वह आदमी जो है वो टंका से आके ये कहता है कि तुम जूते बनाने की बात भूल जाओ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है कि तुम ऐसे जूते बना सकते हो जो कि उड़ सकते हैं या फिर तुम उड़ने वाले स्लीपर्स या फिर उड़ने वाले जूते बना सकते हो ओके सो दैट मैन टीम आर यू टंका द कॉपलर वो आदमी आता है वो पूछता है टंका से क्या तुम टंका हो वही मोची हो टंका बोलता है कि इंडीड आई एम वुड यू लाइक मी टू मैंड यूर शूज़ हाँ मैं ही टंका हूँ क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके जूते बनाऊँ दैट मैन सेज़ फॉरगेट अबाउट मैंडिंग आई हैव बीन टोल्ड यू मेक स्लीपर्स दैट कैन फ्लाई वो आदमी टंका से बोलता है कि तुम जूते बनवाने की बात भूल जाओ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है कि तुम उड़ने वाले जूते चप्पल या फिर तुम उड़ने वाले स्लीपर्स बना सकते हो टंका हु टोल्ड यू दैट टंका उस आदमी से बोलता है ये आपसे किसने कहा मैन ओ नेवर माइंड ही स्टेप्स फॉरवर्ड क्लोजर टू टंका लुक आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स मेक दैम फॉर मी एंड यू विल बी अ रिच मैन हे जेंगल्स अ बैग ऑफ कॉइंस तो वो आदमी कहता है तो टंका उस आदमी से पूछता है कि ये तुमसे आपसे ये बात किसने कहा कि मैं उड़ने वाले जूते चप्पल बना सकता हूँ तो आदमी कहता है कि वो सब भूल जाओ और ऐसा बोलते हुए वो और भी टंका के और भी पास आता है और पास आकर के कहता है कि देखो मुझे उड़ने वाले जूते या फिर उड़ने वाले चप्पल चाहिए उड़ने वाले स्लीपर्स चाहिए मुझे और तुम मुझे एक उड़ने वाले स्लीपर्स बना करके दो ताकि अगर तुम मुझे उड़ने वाले स्लीपर्स बना करके दे दोगे तो मैं तुम्हें तो तुम जल्दी ही अमी, बहुत ही अमीर आदमी बन जाओगे और ऐसा बोलते हुए उसके पास एक बैग था ये आप बैग देख सकते हैं ठीक है एक पोटली है ठीक है तो उस पोट इस पोटली में जो है सिक्के भरे हुए थे इट वाज अ बैग ऑफ कॉइंस तो ऐसा बोलते हुए अब वो आदमी टंका के पास जाता है और वो बैग जो है ऐसे खनकाता है जिंगल्स का मतलब होता है खनकाना तो वो बैग जो है वो टंका के पास ले जा कर के उस बैग को खनकाता है और उससे टंका से कहता है कि तुम मेरे लिए एक उड़ने वाले जूते बना करके दे दो अगर तुम मुझे एक उड़ने वाले स्लीपर्स बना करके दे दोगे तो तुम जल्दी ही बहुत अमीर आदमी बन जाओगे और ऐसा बोलते हुए वो जो सिक्कों से भरा हुआ जो बैग था वो टंका के सामने ले जा कर के वो खनकाता है टंका वॉट डू यू वॉन्ट फ्लाइंग स्लीपर्स फॉर तो टंका उस आदमी से पूछता है कि आपको उड़ने वाले स्लीपर्स क्यों चाहिए मैन आई एम अ मर्चेंट विथ फ्लरिशिंग बिजनेस आई हैव अनटोल्ड वेल्थ बट आई वॉन्ट मोर इफ ओनली आई कुड फ्लाई आई वुड बी एबल टू गैदर रिचेज फ्राम द फार फ्रॉम द फार कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ तो वह आदमी कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ यानी कि मैं एक बिज़नेस मैन हूँ मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा बिज़नेस जो है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन मुझे और भी ज़्यादा पैसा चाहिए और अगर तुम मुझे उड़ने वाले स्लीपर्स बना करके दोगे तो फिर मैं बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी जल्दी दूर दूर तक मैं उड़ उड़ कर दूसरे दूसरे जगहों पर मैं जाऊंगा और जा करके वहां पर मैं बिज़नेस करके और बहुत सारे पैसे मैं कमा करके ला सकूंगा ओके तो वो आदमी कहता है कि तुम मुझे स्लीप उड़ने वाले स्लीपर्स बना करके दो ताकि मैं दूर दूर तक जाऊँ दूर दूर की यात्रा करूँ और बहुत दूर दूर जगह से मैं बहुत सारे पैसे कमा करके लाऊं और मैं और भी ज़्यादा अमीर बनूं और मेरे पास और भी ज़्यादा पैसा हो जाए ओके सो दैट मैन दैट मर्चेंट वॉज ग्रीडी वो जो मर्चेंट था वो लालची था वो बहुत ग्रीडी था उसे और भी पैसा कमाना था टंका शेकिंग हिज हेड फ्लाइंग स्लीपर्स आर नॉट फॉर यू तो टंका जो है वो अपना सर हिलाते हुए वो उस आदमी से उस मर्चेंट से बोलता है कि वो फ्लाइंग स्लीपर्स आपके लिए नहीं है मैन आई विल फिल योर शेक विद गोल्ड नो वेट अ मिनट आई विल मेक यू अ मैंशन विद गेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फाउंटेन्स इन द गार्डन आई विल गिव यू बैग्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस लाइक दिस वन ही जंगल्स द बैग वंस मोर जस्ट मेक मी अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स एंड योर डेज ऑफ सफरिंग विल बी ओवर तो वो आदमी जो है बोलता है कि मैं तुम्हारा तो वो जो आदमी है वो जो मर्चेंट रहता है वो टंका से कहता है कि अगर तुम मुझे फ्लाइंग स्लीपर्स बना के दोगे तो मैं तुम्हारी झोपड़ी जो है सोने से भर दूँगा शाक का मतलब शैक का मतलब होता है झोपड़ी छोटी सी झोपड़ी तो वो जो मर्चेंट रहता है वो टंका से कहता है कि अगर तुम मुझे फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके के दे दोगे तो मैं तुम्हारी तो मैं जो है तुम्हारी झोपड़ी जो है वो सोने से भर दूँगा नो वेट विल मेक यू विद मैं विद गेट्स ऑफ गोल्ड तो फिर वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारी झोपड़ी सोने से भरूंगा मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा महल बहुत बड़ा एक बंगला बना करके दूंगा और उस बंगले में मैं सोने के गेट्स लगा करके दूंगा और उस बंगले में जो बगीचे होंगे उस बगीचे में मैं चांदी के फाउंटेन्स लगा करके तुमको दूंगा आई विल गिव यू बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स फिर वो मर्चेंट कहता है टंका से कि मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग दूंगा ही बैग मोर वो फिर से वो जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ जो बैग था उसको वो फिर से खनकाता है जस्ट ये जो बैग है ना इसमें जिसमें क्वाइंस रखे हुए थे इसमें गोल्ड क्वाइंस रखे थे तो वो आदमी जो रहता है वो उस तो वो जो मर्चेंट रहता है उस बैग में गोल्ड कॉइन्स भर के लाया था तो वो अटंका से कहता है कि तुम मुझे ऐसे फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके दो तो मैं तुम्हें सोने से भरा हुआ सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग तुम्हें दूंगा और ऐसा बोलते हुए वो आ, फिर से वो सोने के सिक्कों से जो भरा हुआ बैग रहता है वो खनकाता है और खनकाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके दोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे हुए ऐसे बहुत सारे बैग्स ला करके दूंगा जस्ट मेक मी आ फ्लाइंग स्लीपर्स एंड योर डेज ऑफ सफरिंग विल बी ओवर बस तुम मुझे ऐसे उड़ने वाले स्लीपर्स बना करके दे दो और तुम्हारे मुश्किल के तुम्हारे डेज ऑफ सफरिंग मतलब तुम्हारे कष्ट के तुम्हारे दुख के सारे दिन ख़त्म हो जाएंगे मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा दूंगा टंका अलास्ट द फ्लाइंग स्लीपर्स आर नॉट फॉर यू टंका फिर से बोलता है कि ये फ्लाइंग स्लीपर्स आपके लिए नहीं है द मर्चेंट बैग्स जो मर्चेंट रहता है वो टंका से बहुत रिक्वेस्ट करता है विनती करता है कि वो उसके लिए फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके दे लेकिन टंका कहता है कि वो फ्लाइंग स्लीपर्स आपके लिए नहीं है ही frowns एंड स्टैम्प्स इज़ फीट वो गुस्सा जाता है और गुस्सा करके अपना पैर पटकते हुए वो मर्चेंट वहाँ से चला जाता है बट टंका इज़ अनमूव्ड लेकिन टंका अपनी बात से पीछे नहीं हटता वो अपनी बात पर अड़ा रहता है फाइनली द मर्चेंट गोज़ अवे फाइनली जो है वो मर्चेंट वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है नाउ कम टू द सेकेंड सीन टंका इज स्टिल एट वर्क टंका अभी तक अपना काम कर रहा है ही हियर्स द साउंड ऑफ अ हॉर्स हूव्स अब उसे घोड़े की घोड़े की चलने की आवाज़ सुनाई देती है द डोर ऑफ द शैक फ्लाइज ओपन एंड अनदर मैन वॉक्स इन हु इज एक्चुअली द किंग ऑफ द लैंड तब तक उसकी झोपड़ी का दरवाज़ा अचानक से खुलता है और उसके बाद एक दूसरा आदमी जो कि वहाँ का राजा था वो उस झोपड़ी के अंदर आता है ही इज ड्रेस्ड इन अ वेलवेट क्लोक एंड लुक्स प्राउड एंड पावरफुल उन्होंने एक वेलवेट वेलवेट कलर का क्लोक पहना हुआ था जो राजा लोग पहनते हैं ना वेलवेट कलर का ऊपर एक लंबा सा गाउन टाइप का पहनते हैं उसने एक वेलवेट कलर वेलवेट का मीन्स वेलवेट मीन्स मखमल मीन्स मखमल का कपड़ा उसने वेलवेट का एक बड़ा सा एक क्लोक उन्होंने पहन रखा था और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्राउडी बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जैसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही आ, कोई बहुत ही पावरफुल आदमी है ओके किंग आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड एंड आई हैव कम टू मीट टंका द कॉबलर वेयर इज ही तो वो जो राजा है वो अंदर आता है और कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं यहाँ पे टंका जो कि यहाँ पे जो मोची है मैं उससे मिलने आया हूँ वो कहाँ पर है टंका हियर आई एम ओ किंग वॉट कैन आई डू फॉर यू तो टंका कहता है कि मैं ही टंका हूँ और मैं यहीं पर हूँ मैं आपके मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ किंग आई हैव जस्ट कम टू नो दैट यू कैन मेक फ्लाइंग स्लीपर्स हाउ इज़ इट दैट यू नेवर मेड सच अ पेयर फॉर मी यू मस्ट बी पनिश्ड तो वो राजा कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हें तुम जो है उड़ने वाले स्लीपर्स बना सकते हो और मुझे अभी कहीं से पता चला है कि तुम उड़ने वाले स्लीपर्स बना सकते हो तो वो राजा कहता है कि मुझे अभी पता चला कि तुम्हें फ्लाइंग स्लीपर्स बनाने आते हैं और ऐसा और ऐसा कैसे हुआ कि तुमने अभी तक ऐसे एक भी फ्लाइंग स्लीपर्स मेरे लिए नहीं बनाए और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी कि मैं यहाँ का राजा हूँ तुम्हें फ्लाइंग स्लीपर्स बनाने आते हैं लेकिन ऐसा लेकिन तुमने मेरे लिए अभी तक एक भी फ्लाइंग स्लीपर्स बनाने बनाकर मुझे नहीं दिए तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए टंका एज यू विश सर तो टंका कहता है कि जैसी आपकी मर्जी किंग आई विल फगेव यू इफ़ यू ओबे माई ऑर्डर्स नाउ तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मेरे ऑर्डर यानी कि तुम अगर मेरी बात मान लो इन टू डेज टाइम यू मस्ट मेक मी अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स दो दिनों के अंदर तुम मुझे एक फ्लाइंग स्ली एक पेयर फ्लाइंग स्लीपर्स का एक पेयर मुझे बना करके दोगे यूज़ द फाइनेस्ट लेदर एंड एम्ब्रॉयडर द पेयर विद द गोल्डन थ्रेड सबसे अच्छी क्वालिटी का लेदर लेदर जो है जूते बेल्ट ये सब लेदर मीन्स लेदर गुड्स मीन्स विच इज़ जैसे चमड़ी का सामान चमड़े का जो सामान होता है उसे लेदर गुड्स कहते हैं तो वो राजा कहता है कि अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ करोगे उसमें बहुत ही अच्छे से गोल्डन uh, बहुत ही अच्छे से गोल्डन एम्ब्रॉयडरी कर गोल्डन थ्रेड से उसमें एम्ब्रॉयडरी करोगे तो राजा कहते हैं तुम मुझे दो दिनों के अंदर तुम मुझे एक आ, आ, फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके दोगे अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज करोगे और गोल्डन थ्रेड के मदद गोल्डन थ्रेड से तुम उसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क करोगे उस जूते में अ गोल्डन क्लास्प विल कम्प्लीट इट क्लास्प मीन्स बकल तो राजा कहता है कि गोल्डन बकल उस पर लगाओगे गोल्डन एक गोल्डन क्लास्प या फिर उसमें एक उस जूते में एक गोल्डन बकल लगाओगे हाउ डज दैट साउंड कैसा लगेगा दिखने में बट होल्ड ऑन फिर वो कहता है कि लेकिन रुक जाओ अभी वाई वेट फॉर टू डेज तुम दो दिनों के लिए क्यों रुकोगे ओके वाई वेट फॉर टू डेज दो दिनों के लिए क्यों क्यों रुकोगे वाई डोंट यू गिव मी द स्लीपर्स बाई दिस टाइम टुमरो राजा कहता है कि मैं तुम्हें दो दिन सिर्फ तुम दो दिनों का वक्त क्यों लोगे तुम मुझे ये स्लीपर्स आज ही तुम मुझे ये स्लीपर्स कल यानी कि कल इस टाइम में ठीक है आज आज आ, तो राजा कहता है कि तुम दो दिनों का भी वक्त क्यों लोगे तुम ये तुम ये फ्लाइंग स्लीपर्स मुझे कल तक ही बना करके मुझे दे देना तो ये राजा आता है और कहता है कि तुमने तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें फ्लाइंग स्लीपर्स बनाने आते हैं और तुमने मुझे ऐसा एक भी फ्लाइंग स्लीपर बना करके नहीं दिया तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए फिर वो कहता है कि तुम मैं तुम्हें, तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरे लिए ऐसे ही एक फ़्लाइंग स्लीपर्स बना करके दे दो उसमें एक अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ करना उसमें गोल्डन थ्रेड की हेल्प से उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क कर देना और दो दिनों के अंदर मुझे ये फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके दे देना और उसमें एक गोल्डन बकल लगा देना लेकिन जैसे जूते में आपके बकल लगे होते हैं ना जहाँ पे आप बेल्ट फंसाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी ये गोल्डन बकल उसमें लगा देना फिर थोड़ी देर बाद राजा कहते हैं कि नहीं दो दिनों का भी वक्त नहीं देंगे तुम एक दिन के अंदर यानी कि मुझे कल तक कल के कल तक ही मुझे ऐसे जूते बना करके एक फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके मुझे दे दोगे अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो राजा ऐसा कहता है टंका रेजिंग हेड सर यू हैव एवरी थिंग अ मैन कोड पॉसिबली विश फॉर मस्ट यू हैव फ्लाइंग स्लीपर्स एज वेल तो टंका जो है राजा से कहता है कि सर आपके पास तो सब कुछ है कोई भी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर आप फिर भी आपको फ्लाइंग स्लीपर्स चाहिए किंग यू इग्नोर इन फूल कोर्स आई मस्ट हैव फ्लाइंग स्लीपर्स डोंट यू नो आई हैव एनिमीज विथ फ्लाइंग स्लीपर्स आई विल बी एबल टू टेक माई एनिमीज बाई सरप्राइज एंड डिस्ट्रॉय दैम आह देन आई शैल बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ तो वो राजा कहता है कि उससे कहता है कि यू इग्नोरेंट फूल मीन्स तुम पागल हो तुम्हें पता नहीं कि मैं एक राजा हूँ और मुझे फ़्लाइंग स्लीपर्स चाहिए ही चाहिए और मेरे लिए फ्लाइंग स्लीपर्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं अगर मेरे पास फ्लाइंग स्लीपर्स होंगे तो मैं तो मैं अपने दुश्मनों पर अचानक से आक्रमण करके मैं अपने दुश्मनों को बर्बाद कर दूँगा और उसके बाद मैं इस धरती का सबसे पावरफुल राजा बन जाऊंगा सब और इस तरह मैं अपने सभी दुश्मनों को हरा करके मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा टंका अल सर फ्लाइंग स्लीपर्स आर नॉट फॉर यू टंका राजा को भी वही कहता है कि सर ये फ्लाइंग स्लीपर्स आपके लिए नहीं है किंग हाउ डेयर यू डिस मी यू विल पे फॉर दिस तो राजा बहुत गुस्सा आ जाता है वो तुरंत अपना तल अपना अपना वो तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से बोलने की और तुम्हें इसकी और मेरी बात ना मानने की कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी ही मूव्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड एस इफ टू स्ट्राइक टंका फिर वो आगे बढ़ता है जैसे कि वो टंका को मार ही डालेगा देन समथिंग होल सेम बैक फिर वो कुछ सोचते हुए दो कदम पीछे हट जाते हैं ही पुट्स द स्पोर्ट बैक इन द स्कैबर्ड एंड लीव्स द शैक उसके बाद वो क्या करते हैं कि आ, वो अपना जो तलवार है वो अपने तलवार को अपने म्यान में म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है तो अपने म्यान में अपने तलवार को रख लेते हैं और रखने के बाद वो टंका के झोपड़ी से निकल चले जाते हैं नाउ द थर्ड सीन टंका पासिस हैंड ओवर हिज आइस ड्रॉज अ डीप ब्रेथ एंड स्टैंड अप तो टंका जो है वह अपन, अपनी आँखों को मलते हैं मलने के बाद एक बहुत गहरी सांस लेते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं ही कम्स टू द डोर ऑफ इस शैक एंड लुक्स आउट वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं जस्ट देन अ लिटल गर्ल रोज गोज़ रनिंग पास्ट द शैक तभी देखते हैं एक छोटी सी बच्ची उनके झोपड़े की उनकी झोपड़ी के पीछे से भागते हुए जा रही है टंका ओ आमना ओ आमना कम है चाइल्ड तो टंका जो है उस बच्ची को बुलाता है उस बच्ची का नाम रहता है आमना तो वो कहता है ओ आमना इधर सुनो यस ग्रैंड वाज व्हाट वॉट इज इट तो आमना आके कहती है हाँ दादाजी क्या बात है टंका वेर आर यू गोइंग तो टंका उस बच्ची से पूछता है आमना से कि तुम कहाँ जा रही हो आमना टू द विलेज शॉप मदर बॉर्ड सम सॉल्ट तो आमना कहती है कि मैं गांव के दुकान पे जा रही हूँ मेरी आ, मम्मी को मम्मी के लिए नमक खरीदने जा रही हूँ टंका फाइन बट फर्स्ट टेल मी इफ आई मेड अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स फॉर यू वॉट वुड यू डू विद विदेम टंका उस बच्चे से पूछता है लेकिन ठीक है पहले ये बात बताओ अगर मैं तुम्हारे लिए फ़्लाइंग स्लीपर्स बना करके दूँ तो तुम उसका क्या करोगी आमना हर आईज वाइड ओपन विद सरप्राइज फ्लाइंग स्लीपर्स यू मीन स्लीपर्स दैट वो टेक मी अप इन द एयर अप एंड अप आमना अपनी आमना ये सुन कर के बहुत सरप्राइज होती है वो अपनी आँखों को बड़ा बड़ा मतलब अपनी आँखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगती है और कहती है कि फ्लाइंग स्लीपर्स यानी कि ऐसे स्लीपर्स जो मुझे हवा में उड़ाते हुए ले जाएंगे ताकि मैं हवा में खूब ऊँचाई तक उड़ सकूंगी टंका नॉडिंग नॉडिंग एग्जैक्टली टंका बोलती है बिल्कुल सही आमना क्लैपिंग हर हैंड्स एंड स्पिनिंग अराउंड ओह आई वुड फ्लाई अप इन टू द ब्लू स्काई जस्ट लाइक अ बर्ड वोट फन दैट वुड बी आमना कह आमना जो है खुशी की खुशी से वो उछल जाती है वो तालियां बजाने लगती है और गोल गोल घूमने लगती है और कहती है कि ओ तो अगर मुझे फ्लाइंग स्लीपर्स मिल गए तब मैं आसमान में उड़ सकती हूँ मैं ऊंचे आसमान में बर्ड्स की तरह चिड़िया की तरह उड़ूंगी बहुत मज़ा आएगा टंका टंका स्माइलिंग टंका उसकी बात सुनकर हंसता है फिर कहता है गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड यू विल हैव अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स इन टू डेज़ टाइम तो वो आदमी जो है वो आमना से कहता है कि भगवान तुम्हें गॉड ब्लेस यू और फिर वो कहता है कि तुम दो दिनों के अंदर तुम्हें एक फ्लाइंग स्लीपर्स मिल जाएंगे सो एक्चुअली द फ्लाइंग स्लीपर्स वॉज ओनली फॉर दोज हु आर नॉट ग्रीडी तो असल में वो फ्लाइंग स्लीपर्स उनके लिए थे ऐसे लोगों के लिए थे जिनके मन में लालच ना हो जो लालची नहीं थे जिनके मन में कोई लालच नहीं था कोई घमंड नहीं था Uh, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना जानते थे तो, तो दोज़ फ्लाइंग स्लीपर्स वर फॉर दोज़ पीपल ओके सो दो फ्लाइंग स्लीपर्स वर फॉर दोज पीपल हु वर नॉट ग्रीडी वर इनोसेंट वर always ready to help others who were not uh, whose uh, the people who don't want to hurt others and who always help others ठीक है तो वो flying slippers ऐसे लोगों के लिए थे जिनके बारे में कोई लालच नहीं था जो दूसरों को hurt नहीं करना चाहते थे जो हमेशा दूसरों को help करना चाहते थे so those flying slippers were only for such people and so that uh, old tanka that old cobbler tanka he promises amna to make a pair of फ्लाइंग स्लीपर्स फॉर हर तो वो जो ओल्ड कॉबलर रहता है वो आमना को प्रॉमिस करते हैं कि वो दो दिनों के अंदर उसे एक फ़्लाइंग स्लीपर्स बना करके देंगे बिकॉज आमना वॉज अ वेरी इनोसेंट गर्ल शी वॉज अ वेरी हेल्पिंग शी वॉज नॉट ग्रीडी उसके आमना जो है बहुत इनोसेंट थी बहुत हेल्पिंग थी उसके मन में कोई लालच नहीं था वो दूसरों की हेल्प करना जानती थी वो किसी को हर्ट नहीं करती थी ओके okay. सो दैट ओल्ड काबलर टंका वॉज वेरी हैप्पी तो वो जो ओल्ड काबलर जो टंका होते हैं वह अमना की बात सुन करके बहुत खुश होते हैं और उसे प्रामिस करते हैं कि वो उसे दो दिनों के अंदर एक फ्लाइंग स्लीपर्स बना करके देंगे ओके सो दिस वॉज द स्टोरी सो दिस वॉज एक्चुअली इज एक्चुअली ए ड्रामा ही एक्चुअली एक ड्रामा है के सो रीड दिस होल प्ले प्रॉपरली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली मोर क्लियरली